क्या आप जानते हैं दुनिया के पास सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों के बारे में? सांपों की बात सुनके हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ती है, क्योंकि सांपों से हर कोई डरता है। नंबर 5, वेल्चर्स सी स्नेक। इस सांपों के बहुत ही जहरीले सांपों में माना जाता है। ये सांप समुद्र में पाए जाते हैं। वजह, समुद्र में पाए जाने से इंसान की इस सांप से कम खतरे, लेकिन मछुआरे कई बार इन सांपों के शिकार हो चुके हैं। ये सांप 1 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। दूसरी सांपों की तरह भी ये सांप दिन रात नहीं सोते हैं। नंबर 4, फिलीपीन कोबरा। इनकी आंखों में पलकें नहीं होती, ये हमेशा अपनी आंखों खुली रखते हैं। इनके मुंह में 20 की थैली होती है। ये सांप मेंढक, छिपकली, पक्षी, चूहे तथा सांपों को भी निगल जाते हैं। ये अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए भोजन भी नहीं करते। ये सांप कई सालों से ना खा के भी रह सकते हैं। नंबर 3, टाइगर स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस टाइगर स्नेक। टाइगर सांप आमतौर पर जमीन पर रेंगने वाले सांप होते हैं, लेकिन ये आसानी से तैर सकते हैं। टाइगर 50 से 60 जीवित बच्चे जन्म देती है। जन्म देने के बाद ये टाइगर स्नेक मौत हो जाती है। टाइगर सांप का मृत शरीर अपनी मौत के कुछ घंटे बाद भी काट सकता है, इसलिए इसके सर से दूर रहना ही बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, ब्लैक मम्बा। इनके दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में माना जाता है। ब्लैक मम्बा बाकी ऐसा ही सांप है जिसकी काटने पर इंसान की मौत हैंड टू हैंड हो जाती है। ब्लैक मम्बा का नाम सुनकर काले रंग की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन ये सांप काला नहीं, ये हरा रंग का है। इन्हें पेड़ पौधे में रहना पसंद है। ये सांप अगर किसी जानवर के दुश्मन हो जाते हैं तो उस दुश्मन को मार के ये दम लेते हैं। इस सांप की 1 मिलीग्राम जहर ही काफी है दुश्मन को मारने के लिए। नंबर दुनिया पोजीशन में है खतरनाक जहरीला सांप में माना जाता है। किंग कोबरा के डसने के 1/2 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप होते हैं। किंग कोबरा दूसरे सांपों की तरह अन्य जानवर को काट लेके निकल जाते हैं। चूहे, बिल्ली या उनको हाथी जैसे जानवर को एक बार जो डस ले वो कभी बच नहीं जाता है। इनका जहर अगर आंखों में चला जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। किंग कोबरा सांपों को दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है।